अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं अंबर कुरैशी। लाहौर की बात हो और अंदरून लाहौर का जिक्र ना हो तो लाहौर का जो जिक्र है वो इनकम्प्लीट सा हो जाता है। और जब हम लाहौर अंदरून लाहौर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो बात होती है शाही किले की, खूबसूरत शाही हमाम की, वहाँ पर जो मौजूद तारीखी इमारत हैं उनकी और उनको रिस्टोरेशन करके जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है उसके हवाले से बात की जाती है। और जब जिक्र आता है रेस्टोरेशन का तो सिर्फ एक नाम जहन में आता है। जी हाँ, मैं एक ऐसे शख्स के हवाले से बात कर रही हूँ जो जब चेयरमैन सीडीए थे तो उन्होंने इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए इतना बड़ा रोल प्ले किया कि लोग आज भी उनके मद्दा हैं। इसके अलावा वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे और इस वक्त वो डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कामरान लाशारी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया और आपने एक बहुत बड़ा काम किया है लाहौर के हवाले से, इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी जो है ये क्या है, इसका मकसद क्या है? वाकई वो एक दफ़ा मुझे एक सिपाही ने रोक लिया। उन दिनों में वो गाड़ियाँ सरकारी जो थी उनको वो बुक कर रहे थे इलेक्शन से लोकल बॉडीज़ के, तो कहता है जी ये कौन से महकमे की गाड़ी है? तो हमने कहा वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की। अच्छा, वो कहता है वो की होता है, वो क्या है? तो वो उसको समझाने में बड़ी मुश्किल आई, फिर ड्राइवर ने जो भी समझाया, लेकिन शुक्र है अब थोड़ा सा लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया है। वर्ल्ड सिटी लाहौर जो है अथॉरिटी, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जैसे और अथॉरिटीज़ होती हैं, बट कन्फाइंड टू द वर्ल्ड सिटी एरिया, जो हमारे 12 दरवाजे हैं और किला है, ये इसका फॉर्मल ज्यूरिसडिक्शन है। ये पहले इसकी जो निगहदाश्त थी, देखभाल जो थी, एलडीए के पास होती थी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, लेकिन फिर हुकूमत ने 2012 में ये कदम उठाया कि इस हिस्से को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेट एंटिटी दे दी। जो इसकी मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दूं तो जैसे वेटिकन सिटी है रोम में, सो दिस इज़ काइंड ऑफ दैट। और ये लाहौर को एहसास है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बाहर भी बहुत कम जगह हैं जहां उसका जो तारीखी हिस्सा है शहर का उसको एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत दी जाए ताकि वो उस पर मरकूज हों और काम कर सकें। That is what World City Law. बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि जितना आप लोग माशाल्लाह से काम कर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि अब जो भी आपकी गाड़ी को रोकेगा उसे पता होगा कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है क्या एक्चुअली। तो सर आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने काम की बात की तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने रिस्टोर करने के लिए अब तक ये इस पूरी अथॉरिटी ने काम किया है? देखिए, वैसे तो 2006 से ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ल्ड सिटी पर काम शुरू हुआ। शुरू में वर्ल्ड बैंक भी साथ था, फिर उसके बाद आखन ट्रस्ट फॉर कल्चर, इनकी पार्टनरशिप बड़ी मुफीद साबित हुई। और अब तक जो सबसे नमाया हमारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें शाही हमाम की रेस्टोरेशन है, ये दिस इज़ ओनली सर्वाइविंग टर्किश बाथ इन द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, उसको अवार्ड मिला है फ्रॉम यूनेस्को। उस पर विलियम डालपल जो एक बड़ा मशहूर राइटर है सब कॉन्टिनेंट पर लिखता है, तो उसने कहा दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट आई हैव सीन इन द इंटायर साउथ एशिया। दूसरा फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो अभी बैरूनी हिस्सा है, जो मस्जिद के बाहर चौक था वो बुरी हालत में था, वहाँ से किसी को दहलीज तक ले जाना भी एम्बेरसमेंट था, और उसकी दहलीज पर वेल्डर्स बैठे हुए थे, खरादिये बैठे हुए थे, उन सारों को हमने पे ऑफ किया, हटाया। वहाँ पर 60-70 दुकानें थी बाहर जिन्होंने उसका चेहरा मस्क किया हुआ था। तो नाउ दैट ओपन स्पेस हैज़ बीन रिस्टोर्ड, हैज़ बीन कंजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, एंड वी हैव कम्युनिटी स्पेस यूज्ड फॉर सूफी म्यूजिक एंड थिंग्स लाइक दैट। जो काबिले ज़िक्र है सबसे, ये जो पिक्चर वॉल जिसकी तस्वीर मेरे अपने ऑफिस में भी है, ये एक बहुत दकीक मुश्किल काम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोज़ेक वॉल इसको तसव्वुर किया जाता है। ये तकरीबन आधे किलोमीटर पर मुश्तमिल है और दो तरफा है, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो उसका एक हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया जिस पर वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लाए थे, दूसरा जो है आजकल हो रहा है। किले में ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा
कि शाही बावर्ची खाना उसको डिस्कवर करके उसको रिस्टोर करना, इसी तरह ब्रिटिश के टाइम्स पर वहाँ पर बंकर्स विच मीन एमिनेशन डिपो, एक असला खाना था जो झाड़ियों में और घिर गया हुआ था, किसी को उसकी समझ नहीं थी, वो आज रिस्टोर्ड है। लाहौर में फिर हम चर्चेस पे भी काम कर रहे हैं, सेंट एंथनी चर्च और कैथीड्रल चर्च रेस्टोरेशन का, सरगोधा में डीसी ऑफिस पे काम हो रहा है, उकाड़ा में हमारे चीफ मिनिस्टर वाज वेरी कीन ऑन दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड मीर चाकरे आजम रिंद का जो मकबरा है सतगरा उकाड़ा में, उसको हमने रिस्टोर किया है। फोर्ट सेंडेमन इन जोब बलूचिस्तान, वहाँ पे काम हुआ है। पेशावर में अली मर्दान विला, AJK में मुजफ्फराबाद में भी बीन एंगेज्ड टू डू देयर रेड फोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जब वॉल सिटी से बाहर की बात की तो मुझे फौरन याद आ गया कि आपका इमीडिएटली अभी कुछ अर्सा पहले PM इमरान खान से भी जो है मुलाकात हुई थी, और उन्होंने भी आपको टास्क दिया था कि न सिर्फ आप वॉल सिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आपने उनको प्रिजर्व करना है, अपना जो आपका आपने इतना एक्सपीरियंस है आपका वो यूटिलाइज करना है, उस हवाले से बताते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कीन, वी ऑल नो दैट, एंड पर्टिकुलरली ही डिटेल्ड मी फॉर पेशावर ओल्ड सिटी, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आई हैव सर्वेड दैट एंड दैट प्रपोजल इज़ रेडी, सो लेट्स सी। लेकिन यस, ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव, और बल्कि जहांगीर का मकबरा और ऐसी जगहों के लिए भी ही इज़ बीन आस्किंग कि आप इसको ये करें। टूरिज़म को बहुत ज़माने के बाद किसी ने एज अ सेंटर स्टेज सब्जेक्ट लाया है, ये एक बड़ा साइड लाइन डिपार्टमेंट होता था, लेकिन अब हेरिटेज टूरिज़म इसकी बात बहुत होती है और इस पर दिलचस्पी आई है लोगों की, और हमारे महकमों की, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब दीज डेज। टूरिज्म कितना ज़्यादा प्रमोट होता है जब हम अपनी हेरिटेज को, अपनी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको, और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं, उनको डिस्कवर करते हैं या उनको रेनोवेट करते हैं, उनको सामने लेके आते हैं, रिस्टोर करते हैं? जी, मेरा ख्याल है टूरिज़म ये दो तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। मोस्ट ऑफ द टूरिज़म, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर है, अगर आपके नेचुरल सीन्स और प्लेसेस बहुत अच्छी हैं, जो कल्ला मियां ने पाकिस्तान को, ये तो उसकी तरफ से मिली हुई हैं, हमारा कोई ख़ास इसमें वो नहीं है। दी अदर इज़ कि आप जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री, मौजदारों से और उस ज़माने से शुरू हो जाएं, 5000 साल पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, जो तीन हैं उनमें से एक है, कराची से ले के तोरखम तक और गिलगित बल्तिस्तान, इसमें इतनी वैरायटी और रिचनेस है, ज़बानें, लबास, फोक डांसेस। सो वन इज़ दैट यू एक्सप्लोर योर हेरिटेज हिस्टोरिक प्लेसेस, लाहौर उसका गढ़ है, दिस इज़ कॉल्ड एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देन नॉट ओनली, और व्हेन वी से हेरिटेज, इट इज़ नॉट ओनली द संगो खिश्त, जो कंस्ट्रक्टेड चीज़ों की सिर्फ बात नहीं है, कल्चरल चीज़ों की भी बात है, जो हमारी म्यूज़िक है, कुजीन है, फेस्टिवल्स हैं, हमारा लिबास है, उठना बैठना है, इसको अगर हम अच्छे तरीके से, असल सारी खेल है प्रेजेंटेशन की, जहां मार खाते हैं ये चीज़ें तो सारी मौजूद हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन हैज़ टू इम्प्रूव अ ग्रेट डील। और जहां जहां हमने करके देखा है वहां वो क्राउड आना शुरू हो जाता है जो कभी पहले नहीं आया था, और इतनी अच्छी अप्रिसिएशन मिलती, चाहे गली आम सी गली हो, जैसे गली सुरजन सिंह, अभी आपने सुना होगा, अंदरून लाहौर के अंदर। सो इट्स हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू पैकेज एंड हाउ यू दुनिया के सामने आप कैसे रख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट कैसे कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहूँगी कि जिन जिन जगहों को आपने रिस्टोर किया, आपने मेंशन भी किया उनको, उनको रिस्टोर करने के बाद वहाँ पर जो टूरिस्ट का आना है वो किस हद तक बढ़ा था? जहाँ मैं समझता हूँ कि हमने एक नया काम किया है वो ये है कि हमने सिर्फ कंजर्वेशन करके ये नहीं समझा कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, चाहे वो शाही हमाम हो, मस्जिद वज़ीर ख़ान हो, लाहौर फोर्ट हो, हमने उनको एक्टिवेट किया है, उन स्पेसेस को, उनको मैनेज करके, कनेक्टिंग बिल्डिंग्स विद द पीपल, दैट इज़ आवर मोटो, कि अगर बिल्डिंग कितनी भी अच्छी आपने कर ली और वो उदास है, वो बंद है, या वहाँ जाना जो है एक महाल है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वी हैव यूज्ड आवर स्पेसेस, हिस्टोरिक स्पेसेस, फॉर कवाली, फॉर सूफी म्यूज़िक, फॉर दास्तान गोई, फॉर यू नो हिस्ट्री बाय नाइट का टूर पहली दफ़ा क्रिएट हुआ है कि सारी जगह को इल्यूमिनेट करके वहाँ ले जाना, फेस्टिवल्स किए हैं। सो ये
इससे लोग ऐसा वहाँ पर खुशी से आए हैं जो पहले कभी नहीं आए थे, और ख़ुद कहते हैं हम तो मुझे फोर्ट आए हुए तो 25 साल हो गए हैं, मैंने ये जगह पहले नहीं देखी थी, अच्छा ये भी लाहौर में है, पाकिस्तान में है। सो डिस्कवरी चैनल का भी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि यू आर मेकिंग पीपल नो अबाउट पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान, एंड देन ये इतना भी काफ़ी नहीं है, पीपल शुड मूव आउट। जब तक आप अपने मुल्क को नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने डिस्कवर पाकिस्तान की बात की, तो पहले डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान एक नया चैनल, नया एक विजन लेके आया है, और इसका विजन ये है कि हमने प्रमोट करना है पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, जो असल पाकिस्तान है उसको हमने दुनिया के सामने लेकर आना है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी था, कितना वक्त का तकाजा था कि हम प्रेजेंटेशन करते, मार्केट करते अपने पाकिस्तान? देखिए जी, आई गिव फुल मार्क्स टू दिस, सच पूछें और दिल से, क्योंकि मैंने जो क्वालिटी देखी है ना, जो एक दो प्रोग्राम मैंने ज़्यादा नहीं देखे, लेकिन वो आपको अंदाज़ा हो जाता है, आप उसकी जो फिल्मिंग है, जो उसका कैमरा मूवमेंट है, जो उसकी क्वालिटी है, उसी से इट इज़ डैज़लिंग, इट इज़ रियली अ प्राइड टू वॉच योर ओन कंट्री थ्रू द लेंसेज ऑफ डिस्कवरी पाकिस्तान। सो मेरे अपने ख्याल से दिस वॉज हाईली नीडेड, और हमारे मुल्क में कोई ऐसा और चैनल नहीं जिसने ऐसा कभी काम किया हो, तो ये पहली दफ़ा एक सही पैराए में और एक बहुत ही अच्छे मनाजर जो हैं क्वालिटी से, एक हाई रेजोल्यूशन, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इन आपके चैनल की चीज़ को मैं अगर डिस्कवरी चैनल ऑफ इंटरनेशनल जो है उससे करूं या किसी भी बीबीसी से करूं तो कब नहीं। सो इससे मेरे अपने ख्याल से एक जोश खरोश, एक तो इन्फॉर्मेशन आएगी, दूसरा मोटिवेशन आएगी कि अच्छा भाई हमारे मुल्क में ये कुछ है, इतना प्यारा है। और मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट डू, आवर चिल्ड्रन डोंट ट्रैवल। हमने उनको इतना बांध के रखा हुआ है, इतना ये जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं या पैसे वाले हैं वो तो वैसे ही मम्मी डैडी माहौल में, उनको वी डोंट लेट देम गो, लेट बी ऑन देयर ओन, और या मरी और नथिया गली तक चले गए, दैट इज़ नॉट द एंटायर पाकिस्तान। कई बच्चे हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान में क्या है भाई, दुबई तो अभी 30 साल बने, दुबई में कुतुब, ये 3000 साल 5000 साल पुरानी जगह है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डिस्कवरी पाकिस्तान, आई थिंक इट विल प्ले अ ह्यूज रोल इन मोटिवेटिंग आवर यंगस्टर्स एंड पाकिस्तानीज to discover Pakistan, to take pride in it, to travel and to own it up and be happy about it. Thank you so much sir for your kind words. अच्छा, discover Pakistan के हवाले से आपने बात की, आज World City और discover Pakistan में एक MOU भी साइन हुआ है, क्या समझते हैं कि एक तो टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, दूसरा ये कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट करने के लिए, वही आपने बात की, उसमें ये दोनों मिलकर किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, I am a great believer in partnerships. एक और एक दो ग्यारह, जो MOU आज हमारा डिस्कवर पाकिस्तान चैनल से हुआ है, इसके लिए मुझे बे इंतहा खुशी है, क्योंकि वर्किंग विद क्वालिटी पीपल, विद पीपल हु हैव इमेजिनेशन, पीपल हु हैव विजन एंड हु बिलीव इन स्टैंडर्डाइजेशन, दे आर द वंस विद हुम यू शुड पार्टनर इन लाइफ, एंड डिस्कवर चैनल इज़ वन ऑफ दोज रेयर पीपल, एंड आई फील वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। और आज हमने अपनी टीम्स को मिलवाया है कि हमने ये जो तमाम जिन मुकामात की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो मेरे ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड हैं, उनको कवर करना है, उन इवेंट्स को, उन कल्चरल सीन्स को, उन लोगों को, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग से मुल्क नहीं है, इंसानों से, जो हमारे इंसान हैं, चाहे वो एक खाना लस्सी बनाने वाला हो, चाहे वो कोई खुस्सा बनाने वाला है, हुक्का बन, वी हैव टू डिस्कवर आवर आर्टिजन्स, आवर फोक पीपल एंड एवरी हार्ड वर्किंग एंड पाकिस्तानी हैज एज अ फेस ऑफ हिज ओन विच वी नीड टू शो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सर मुझे एंड पे ये बताइएगा, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ उन फॉरनर्स को जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, हमारे पास कितना पोटेंशियल है उनके लिए? फॉरेनर से पहले मैं पाकिस्तानी से और उनमें अपने बच्चों से जो यंगस्टर्स हैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। हम बाहर वालों से क्या कहें, अगर जो घर वाले हैं वही अपना घर नहीं देखते, वही नहीं निकलते, या एक कमरे से निकले दूसरे में चले गए, बहुत सुहल बनने में कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं है।
प्लीज़ बी एडवेंचरस, बी एक्सप्लोरर, लेकिन जहाँ कहीं भी आप जाओ देयर सो मच टू सी एंड थोड़ी सी अगर मुश्किल भी आती है, सोबतें भी हैं, तो दैट इज़ द फन पर्टिकुलरली फॉर द यंगस्टर्स एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन योर कंट्री एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट टॉकिंग टू एनी फॉरनर एनी वेयर दैट वॉट योर कंट्री हैज़. बट टू नो दैट यू हैव टू बी देयर. घर बैठे किताबों पढ़ने से ये नहीं होगा, ये मौके पे जाने से होगा. और इसी तरह फॉरेनर्स जो हैं, आई थिंक दे आर क्वाइट मिसलेड. जो आ जाते हैं दे आर द वंस हु बिकम आवर बेस्ट प्रमोटर्स. सीइंग इज बिलीविंग. एम्बेसडर्स बन जाते हैं. जब तक नहीं आए होते उनको कई खदशात होते हैं, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग. पाकिस्तान में जो आता है वो देखता है कि इससे ज़्यादा अच्छे लोग, सब वही बात कि बिल्डिंग से ज़्यादा लोग. बाहर जाओ आपको कोई मुंह नहीं लगाता, यहाँ आपको हाथों हाथ लोग कहते हैं आइए जी मेरे साथ बैठें, चाय लें, खाना खाएं, पैसे नहीं लेते कई दफ़ा कई चीज़ों के. इतनी वार्म्थ, इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतनी एक फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन दुनिया में कहीं नहीं है जैसे हमारे दूर दराज और शहरों में हर जगह पर है. एंड आई वुड वेलकम ऑल फॉरनर्स पर्टिकुलरली टू द वॉल सिटी ऑफ लाहौर. वो आकर वी आर जस्ट अ कॉल अवे. वील गिव बेस्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट टू यू जो के उनके सोच से भी बाहर होगी. बिल्कुल ठीक है. और एक दफ़ा फिर आपने वॉल सिटी का जिक्र कर दिया, तो वॉल सिटी के हवाले से हम आखिरी बात आपसे कर लेते हैं कि क्या प्लान्स हैं वॉल सिटी को लेके फर्दर आपके, और क्या सोचते हैं कि दिस इज़ समथिंग, कोई एक चीज़ जो मैंने करनी है. जब आप ज़िंदगी में चीज़ें करते हैं तभी आपको पता चलता है कितना कुछ आपने नहीं कर पाए. एक दरवाज़ा तय करने से बहुत ज़्यादा आगे खुलते हैं. तो सो वी हैव कवर्ड ओनली 8-10% ऑफ द वॉल सिटी व्हेन इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रेस्टोरेशन. अभी तो हमने इसको कैरी थ्रू करना है. आजकल हम कश्मीर बाज़ार की तरफ काम कर रहे हैं और रंग महल की तरफ, फिर भाटी गेट जो कि हमारा बड़ा अच्छा एरिया है और अभी तक काफ़ी हद तक वो कायम है, उसको रिस्टोर करने का प्रोग्राम है. एंड देयर आर सो मैनी फेस्टिवल्स, देयर आर सो मैनी प्लान्स. एक एक गली, एक एक मोहल्ला जो है हम वॉल सिटी का ठीक करना चाहते हैं. Inshallah, you will see, we will do it. हमें यकीन है एक्चुअली कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि आपने जिस तरह से रिस्टोरेशन की है पहले भी, वॉल सिटी की खूबसूरती को सामने लाने के लिए जो आपका रोल है वो हमेशा याद रखा जाएगा. थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी अच्छी बातें की. तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से कामरान लाशारी साहब ने कहा कि हमारा जो लोकल टूरिस्ट है वो भी खींचा चलाएगा, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो भी खींचा चलाएगा, और हम सब मिल के देखेंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है. और इसमें वो लोग जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कामरान लाशारी साहब जैसे लोग, डिस्कवर पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, आई एम श्योर कि हम थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो अपना एक पुट अप कर सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान.